हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है जीत और आप में से काफी सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर जो मेरा बैकग्राउंड है, यानी ये जो मेरी डेस्क है वो क्या है, किस तरह से मैंने इसे सेटअप किया हुआ, यानी जो मेरा डेस्क सेटअप है वो क्या है और किस तरह से मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना ये पूरा डेस्कटॉप दिखाने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको हर एक चीज दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ, किस तरह से मैं अपने डेस्क का सेटअप किया हुआ है और क्या क्या इक्विपमेंट मैं यूज करता हूँ अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। और आज की वीडियो देखने के बाद आप भी जान जाएंगे किस तरह से कम पैसों में अच्छे से अच्छी चीजें कर सकते हैं। यानी ये जो मैंने सेटअप बनाया हुआ है बहुत ही सस्ता है, आप भी इस तरह का सेटअप बना सकते हैं, आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और जो मेन चीज होती है वो होती है लाइटिंग। तो लाइटिंग सेटअप आप जरूर देखिएगा, अगर आप अच्छा लाइटिंग सेटअप रखेंगे तो आपको वीडियो क्वालिटी जो है बहुत ही अमेजिंग मिलेगी। और इस वीडियो में आप जरूर बताइएगा कि जो वीडियो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है, बिकॉज मैंने यहाँ पर चेंज किया अपने फोन को। पहले मैं यूज करता था सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम का फ्रंट कैमरा अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, और फिलहाल अभी मैंने बाय किया है रेडमी का Note 5 Pro, और ये वीडियो उसी से रिकॉर्ड हो रही है। तो मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में कि वीडियो क्वालिटी में आपको कुछ फर्क दिख रहा है या नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज उस बेल आइकन को जरूर दबाना। सो गाइज, ये है मेरी मेन डेस्क। इस डेस्क पे क्या क्या रखा है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस तरह की डेस्क लेना चाहते हैं या फिर बनवाना चाहते हैं तो आप लोकल शॉप पर ही जाएं, लोकल मार्केट आप जाएं, वहाँ पर आपको ये सस्ता पड़ जाएगा 5 से 6 हज़ार रुपये का। बट अगर आप इस तरह की डेस्क को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये मिनियंस टॉय। ये मिनियंस टॉय मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये काफ़ी कूल था, और इसके अलावा यहाँ पर इसको आपको LED भी मिल जाती थी जो कि काफ़ी अच्छा लुक देती है। बट अनफॉर्चुनेटली इसकी जो बैटरी है वो खत्म हो चुकी है और मैंने चेंज भी नहीं की है। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कुछ फिजेट स्पिनर जो कि मैंने रखे हुए अपने डेस्क सेटअप पर। ये काफ़ी टाइम पहले मैंने लिए थे और इनका मैं यूज़ करता नहीं हूँ, ना ही मैं इनसे कोई खेलता वगैरह हूँ। बट इनको मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि जब भी मैं कोई बुके शॉट लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा कूल लुक देते हैं, या फिर जब आप कोई वीडियो बना रहे होते हैं तो ये आपके बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छा जो है लुक देते हैं, तो इस वजह से मैंने इनको रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर रखा हुआ है एक प्लांट या फिर आप कह दें एक पॉट, तो इस तरह के प्लांट आप ज़रूर रखिए अपने डेस्क में। ये काफ़ी नेचुरल फील देते हैं और काफ़ी अच्छा लुक देते हैं आपके बैकग्राउंड को और आपके डेस्क को भी। तो इस तरह का आप प्लांट ले सकते हैं, आपको ये 200 से 300 रुपए का मिल जाएगा अमेजोन पर। सभी चीज़ों के लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिए, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर रखा हुआ है एक ट्राईपॉड, उस ट्राईपॉड को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं अपने डिवाइस की, तो यहाँ पर मैंने अभी परचेज़ किया रेडमी का Redmi Note 5 Pro, जो कि मैं अभी मेन डिवाइस के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। पर इससे पहले मैं यूज़ करता था Samsung Galaxy J7 Prime, और ये वीडियो भी उसी फ़ोन के रियर कैमरे से शूट हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें नीचे वाली ट्रे की, तो यहाँ पर इस ट्रे पे मैंने रखा हुआ है यहाँ पर एक रूम फ्रेशनर, और इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी मेरी सिस्का की पावर बैंक। ये बहुत ही कमाल की पावर बैंक है और ये मेरे डिवाइस को कम से कम 3 बार चार्ज कर देती है। इसके अलावा यहाँ पर रखा हुआ है मेरे रेडमी नोट 5 Pro का बॉक्स, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर राइट साइड पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, तो राइट साइड पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैंने रखा हुआ अपना एक पुराना टैब जो कि एक डेल का टैब है, और इस टैब को मैं पहले यूज़ करता था और अब मैं इस टैब को यूज़ नहीं करता हूँ, तो ये ऐसे ही रखा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ड्रायर लगा हुआ है, ड्रायर में देखते हैं कि क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो ड्रायर में सबसे पहले देखने को मिलती है मेरी फेवरेट चीज़ जो कि है ये ईयरबड्स, और ये बहुत ही कमाल के ईयरबड्स हैं और ये मेरे पर्सनली फेवरेट चीज़ है जो कि मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। तो ये ईयरबड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इसका रिव्यू मैंने कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर रखी हुई है ब्लिट्स ब्लू की ईयरफोन जो कि काफ़ी कमाल ईयरफोन है, इसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये ईयरफोन, और इस ईयरफोन का गिव अवे भी चल रहा है, पर डोंट वरी मैं आपको न्यू देने वाला हूँ, ये वाली मैं आपको नहीं दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर एक LG की ईयरफोन भी है, तो इन सभी चीज़ों को साइड में रखते हैं। और यहाँ पर एक दिखाता हूँ मैं आपको बहुत ही कमाल की चीज़ जो कि है ये गोरिल्ला पॉड, और ये गोरिल्ला पॉड बहुत ही ज़्यादा काम का है। अगर आप एक बड़ा ट्राईपॉड नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप इस तरह का गोरिल्ला पॉड ले लें, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा यहाँ पर और ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक RGB का मेरे रिमोट कंट्रोलर रखा है, और इसके अलावा यहाँ पर मेरे 2 माइक रखे हैं जो कि है बोया BY-M1 और जेनरिक का माइक। ये 2 माइक मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं, ये ज़्यादातर रिव्यू यूनिट के बॉक्स हैं,
ज्यादा रिव्यू नेट मुझे नहीं आते हैं, पर जितने भी आते हैं उनके बॉक्स यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर रखी हुई है मेरी ग्रीन स्क्रीन, जिसका मैंने यूज अभी तक नहीं किया है। इससे पहले अगर आपने मेरा पुराना सेटअप नहीं देखा तो आप देख सकते हैं वहां पर मैं कौन सी ग्रीन स्क्रीन यूज करता था, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर डेस्क देखने को मिलती है, जो कि काफी बड़ी नहीं है, छोटी सी है। और अगर डेस्क के ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में वॉल पर एक स्टिकर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक कस्टम मेड अपनी यूट्यूब प्ले बटन बना रखी है, तो वो मैंने लगा रखी है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये स्टिकर मैं कहाँ से परचेज करूँ या फिर ये क्या चीज़ है, तो ये एक वॉल स्टिकर है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दी है, आप इसे परचेज करके अपनी वॉल पे लगा सकते हैं और काफी बढ़िया लुक देने वाला है आपके बैकग्राउंड को। मुझे पर्सनली ये स्टिकर काफी ज्यादा पसंद है। इसके अलावा यहाँ पर है मेरी मेन चेयर, ये चेयर मैंने परचेज की थी करीब 3,000 रुपए की। तो मेरे सेटअप में बस ये चेयर और डेस्क दो ही चीजें जो है वो कॉस्टली हैं। अगर आप बिना चेयर और बिना डेस्क के अपना सेटअप तैयार करते हो तो आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें अपने मेन लाइटिंग सेटअप की, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लाइटिंग सेटअप में आप देख सकते हैं जो मैंने बेस बनाया हुआ है वो मैंने बनाया हुआ है कुछ खाली पुराने पड़े हुए कबाड़ के डब्बों से। आप देख सकते हैं ये पेंट का डब्बा और ये दो फालतू के डब्बे पड़े हुए थे, तो इनसे मैंने जो है मेरा मेन बेस बनाया, यानी स्टैंड बनाया, उसके ऊपर मैंने लगा रखे हैं ये पाइप वगैरह, उसके ऊपर मैंने अपने यहाँ पर सेटअप कर रखा है लाइटिंग का। अब लाइटिंग सेटअप में आप हमेशा ये ध्यान दें कि आपके पास 3 लाइट होनी चाहिए, एक लाइट राइट से, एक लाइट लेफ्ट से और एक सेंटर से। अगर आपके पास ये 3 लाइटें हैं, बल्ब आप कोई भी यूज कर सकते हैं, तो आपको एक क्लियर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करें अगर, तो आपको ये अम्ब्रेला जरूर से ले लेना है। अगर आप सॉफ्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो एक आप सॉफ्ट बॉक्स यूज करिए। उसके अलावा आपको 2 अम्ब्रेला सेटअप जरूर लेने हैं, बिना अम्ब्रेला के आप लाइट मत यूज कीजिए, आपको बहुत ज्यादा शैडो देखने को मिलेगी। पहले मैं भी यही करता था और मैं शैडो से जो है बहुत परेशान रहता था, बट जब से ये अम्ब्रेला मैंने लिया है बिल्कुल भी आपको शैडो देखने को नहीं मिलती होगी। और इस तरह का अम्ब्रेला आप बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हो, काफी सस्ता है, 100 से 150 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसे यूज करने के बाद आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और उसके साथ ही साथ आपको शैडो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि शैडो हमें बहुत ही इरिटेट करती है हमारे वीडियो के दौरान। तो आपको अगर शैडो से बचना है तो आप इस तरह के अम्ब्रेला जरूर परचेज कर लीजिए, और मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर, आप उसे एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें रूम में और चीज़ों की, तो यहाँ पर लाइटिंग के अलावा यहाँ पर दोस्तों एक रखी हुई है एक और टेबल, जो कि एक स्टडी टेबल है, यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चेयर रखी है जो कि पढ़ाई के काम आती है। इसके अलावा यहाँ पर रूम में कुछ और नहीं है दिखाने लायक। अब बात कर लेते हैं मेरे मेन ट्राईपॉड की, किस तरह से मैं ट्राईपॉड रखता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो बीच वाली लाइट है वहाँ पर एकदम सटा कर मैं रखता हूँ अपने ट्राईपॉड को, जो कि एक फोटोन का 450 ट्राईपॉड, जो काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड है। इसके सामने यहाँ पर रखी हुई है मेरी चेयर, और इसी चेयर पर मैं बैठ कर कुछ इस तरह से वीडियो बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और जो भी चीजें मैं यूज करता हूं सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो अगर आपको उनमें से कोई भी एक चीज परचेज करनी है तो आप नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो कर सकते हैं, और उससे थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा।